खबर उत्तर प्रदेश के सावसी जनपद के थाना क्षेत्र सिरसिया इलाके का है, जहां पर मोतीपुर कला में के मजरा बन मसहा में शुक्रवार की दोपहर हर ओर से रोने व चीखने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। आपको बता दें, हर आंखों से बहते आंसुओं में पीड़ा साफ तौर पर नजर आ रही थी। इसी गांव की दो युवतियों की चेन्नई से घर लौटते समय मध्य प्रदेश के जनौर रेलवे चौकी के निकट झाड़ियों में सो मिला था, जिसे लेकर परिजन आज घर वापस लौटे थे। आपको बता दें, साउथ जनपद के सिरसिया इलाके मोतीपुर कला गांव की पुष्पा रानी पुत्री मनमोहन व उषा राणा पुत्री मोहन कौशल विकास केंद्र से सिलाई कढ़ाई का परीक्षण ले रही थी। इनकी बारीकियां सीखने के लिए उन्हें लखनऊ भेजा गया था, जहां से जनवरी में दोनों युक्तियां चेन्नई चली गई थीं। यहां प्रशिक्षण के साथ उन्हें पारिश्रमिक भी मिल रहा था। बीते 21 मार्च को लखनऊ की एक युक्ति के साथ दोनों अपने घर वापस लौट रही थीं, लेकिन रास्ते में ही ट्रेन से दोनों लापता हो गईं। उनके साथ सफर कर रही लखनऊ की युक्ति से परिवार के लोगों ने जब संपर्क किया तो उसने बताया कि ट्रेन में दोनों शौचालय की ओर गई थीं। इसके बाद से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था। बीते बुधवार को नरसिंहपुर रेलवे स्टेशन के पास रेलवे पुलिस ने झाड़ी में दो युक्तियों का शव बरामद किया। कपड़ों से इनकी पहचान पुष्पा व उषा के रूप में हुई। आज उनका शव घर पहुंचने के बाद लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सिरसिया थाना प्रभारी प्रेमपाल अंतिम संस्कार होने तक टीम के साथ मौके पर डटे रहे। साउथी जनपद के सिरसिया इलाके का पूरा मामला है, जहां पर मोतीपुर कला गांव में आज लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। यहां की दो लड़कियां चेन्नई गई हुई थी, जहां से वो वापस लौट रही थी, तभी मध्य प्रदेश इलाके में उनकी झाड़ियों में लाश मिली थी। ऐसे में लगातार इस गांव से लोगों का संपर्क बना हुआ था। आज यहां पर दोनों लड़कियों की लाश पहुंची, जिसके बाद दोनों का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। सावस्ती जनपद के सिरसिया इलाके का यह पूरा मामला है, जहां पर सिरसिया इलाके के थारू बाहुल्य गांव में आज लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा और लोगों को भारी निराशा के साथ दोनों का अंतिम संस्कार करना पड़ा। आखिरकार इन युक्तियों की कैसे मौत हुई, यह अभी भी अधर में लटका हुआ है, लेकिन इनका आज अंतिम संस्कार किया गया है, जिसके चलते पूरे गांव में कोहराम की स्थिति दिखाई पड़ी। सिरसिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत मोतीपुर कला के मजरा बनमसहा गांव का यह पूरा मामला है, जहां की दो लड़कियां चेन्नई में काम कर रही थीं और वहां से लखनऊ आते समय रास्ते में अचानक वो लापता हो गई थी, जिसके बाद मध्य प्रदेश इलाके में उनकी झाड़ियों में लाश मिली थी। परिजन लगातार उनकी तलाश कर रहे थे और आखिरकार परिजन उन तक पहुंच गए, जिसके बाद आज उनका शव गांव में पहुंचा, जिसके बाद हजारों की तादाद में लोगों का जमावड़ा दिखाई पड़ा। सावस्ती जनपद के सिरसिया थाना क्षेत्र की ये तस्वीरें हैं, जहां पर लोगों का आज हुजूम उमड़ पड़ा। हालांकि इस मामले में अभी कोई भी कुछ स्पष्ट रूप से कह पाने की स्थिति में नहीं है, परंतु समय के आधार में यह पूरा मामला है। देखना होगा कि आखिरकार इन दोनों युक्तियों की मौत का कारण सामने क्या आता है, परंतु फिर भी आज पूरे गांव में सन्नाटा पसरा रहा और लोगों ने दोनों युक्तियों को अंतिम विदाई दी। सावस्ती जनपद के सिरसिया थाना क्षेत्र इलाके का यह पूरा मामला, जहां पर आदिवासी गांव की दो युक्तियां प्रशिक्षण के लिए चेन्नई गई हुई थी और वहां से वापस लौटते समय अचानक रहस्यमय परिस्थितियों में दोनों चलती ट्रेन से गायब हो गई थी, जिसके बाद उनकी लगातार तलाश की जा रही थी और उन दोनों की लाश मध्य प्रदेश इलाके में रेलवे ट्रैक के झाड़ियों के किनारे मिली थी। आज इन दोनों का शव गांव पहुंचा, जहां पर इनका अंतिम संस्कार किया गया। सावस्ती जनपद से आप देख पा रहे हैं सबसे बड़ी व अहम खबर।